So time is now almost 10 to 8. Maybe you can finish here for the day today. So I hope this is Krishna book we are reading. Prabhupada says it's not necessary. You just try to release. ये सुनिए अच्छे तरह ध्यान दे के कृष्ण कथा. इसमें भी सवाल मत पूछना. ये आसाधन करने का कोशिश कीजिए. ये असाधु चीज है. हम लोग दूसरा चीज में आसक्ति है, इसलिए कभी कभी इसको टेस्ट लगता नहीं. अगर इसमें एक दफे टेस्ट लगेगा तब कथाम मितम तो अमृत का माफी, तो हम आसानी से भक्ति का मार्ग में आगे बढ़ने सकता. वैकुंठ का दिशा में गोलोक वृंदावन धाम का दिशा में, इसमें कोई संशय नहीं है. सवनम कीर्तनम, सवन अच्छा होने से कितना अच्छा. किससे सवन करना चाहिए? जो रियलाइज सोल, जो अनुभवी है, जो अनुभव किया आत्मा परमात्मा भगवान को. इसका मतलब जो भजन में बहुत दिन है, नहीं तो बाहर से विचार करने से उसके पास से सुनना ध्यान दे के श्रद्धालु होके. तो अंदर में दिल का, दिल को भगवान जो हमारा परम मित्र है, परम सुहृद है, बंधु है, वो हमका दिल का जितना अनर्थ है, गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह, हाँ उसको मामा तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, साफा कर देता. साफा करने से हमारा जब दिल निर्मल हो जाता तो दिल में भगवान बैठा है तो हम अनुभव कर नहीं सकता. तो ये आसानी आपने आसानी से नहीं करने सकता, क्योंकि लाखों जिंदगी का जो जमा हुआ हाँ पूंजीभूत जो अनर्थ है उसको साफा करना आदमी के लिए उतना आसानी नहीं जल्दी. लेकिन भगवान सब चीज कर नहीं सकता. अगर इसमें विश्वास है तो आप अच्छे ध्यान दे के सुनिए, आस्वादन कीजिए, कीर्तन भी कीजिए चिल्ला के उच्च स्वर में. तो जैसे पेड़ के नीचे कोई बैठा है, ऊपर में चिड़िया बैठा है, ताली देने से वो सब भग जाता है. इस तरह हमारा जो धूलिया है अंदर में, अंदर को कभी कोई कहता चेतु दर्पण. दर्पण मतलब शीशा है, आयना. हिंदी में आयना कहता, आयना कहता. तो उसमें धूलिया है, अगर आयना में साफा है आयना तो आप देख नहीं सकते अपने को क्या. इस तरह हमारा दिल जब साफा होता, जितना ही साफा होता हम का स्वरूप उपलब्ध हो जाता. हमारा स्वरूप क्या है वो हम अनुभव कर नहीं सकता. हम कृष्ण जी का नित्य दास है, कृष्ण का नित्य प्रभु है. हमारा काम है केवल कृष्ण सेवा करना, कृष्ण को प्रेममयी सेवा करना. यही हमारा जिंदगी है. यही करने से यहाँ अभी अब हम अप्रेंटिस है, अगर परफेक्ट हो जाए निश्चित भगवत धाम प्राप्ति. एक जिंदगी भी हो नहीं सकता. अगर आप पर विश्वास है, अब निष्कपट है, सरल है, उसके लिए आसानी नहीं है, कठिन नहीं. और जो कोई दूसरा धंधा है कर्मी का, जैसा होता भोग का, कर्तृत्व का, जिसका कोई चाहिए मुक्ति की कोई पावर है, योग सिद्धि, उसके लिए टाइम लगेगा. सफान ये शुद्ध भक्ति नहीं, ये कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा योग मिश्रा भक्ति. जब अन्नाभिलाष से आप मुक्त हो जाएगा, आप निर्मत्सर, कोई कभी देश नहीं रहेगा, ईर्ष्या दूसरा का उन्नति में जो उसका ईर्ष्या होता, ये जागतिक ये भौतिक प्लेटफॉर्म है. संसार ऐसे ही है, एक दूसरा से ईर्ष्या करता, उसका उत्कर्ष का सहने नहीं सकता. उसका कहा था जो नहीं उसे मत्सर कहा था, मत्सरता मैलेस है ये मैंने दूसरा को एनवियस ये सबका अंदर में है, दूसरा का अच्छा देखने नहीं. जब इससे मुक्त होता उसका था परमहंस भक्तो शुद्ध भक्तो सर्वोपाधि. जो आपने को सोचता हम संग हम ब्रह्मचारी हम संग हम इससे बड़ा, ये जो सोचता नहीं अपनी उपाधि से मुक्त है, अनाभिलाष शून्य है, इच्छा से मुक्त है, निश्चित शुद्ध भक्त है वो, निश्चित भगवत जाम जाए चला जाएगा. अगर उसका स्थिति जो भी हो, शायद झाड़ू देता मंदिर में, कोई पाठ भी करता भगवान के लिए, उससे कोई फर्क नहीं है दोनों में. क्योंकि
और भगवान देख रहा उसके क्या कितना प्रेम है भगवान का प्रति, ये चीज देखता असली। ये भक्ति का मतलब है, भक्ति का निष्कर्ष यही है, उदाउ से नहीं धंधा, भगवान के प्रति प्रेम। ये कोई जिंदगी भी दे, जीवन का भी दे नहीं सकता, ऐसा कोई कोई किया जेल में, रशिया में कोई मर गया शायद, को भूत पटाया बेचारा को, भूत को कितना आदमी बहुत कष्ट पहुँचाया उसको दिया, बाबा आदमी लेकिन वो बहुत सहनशील है। इसलिए चैत्र माम का तिनादोपी सुनी चेनो तरूरे भी सहिष्णु, होके जो दूसरा को मान देता अपने के लिए मान मांगता नहीं, वो वैष्णव बनने से वो ठीक से भजन करने से वो भगवत धाम जा चला जाएगा। यही हम लोग कोशिश कर, हम लोग का भी आत्मसमीक्षा करना चाहिए भजन करते करते हम कितना ऐसा हुआ, क्योंकि आपका आपका भूख है तो आपका कोई खाना ले आए, जो ही खाना हो सादा सीधा सरल हो दाल रोटी तब भी आपके लिए अमृत है, होगा है कि नहीं, ये आप समझ नहीं सकता। आपका तुष्टि पुष्टि पुनर्निवृत्ति हो रहा कि नहीं, दूसरा को पूछने का जरूरत नहीं, इस तरह आप भी जान नहीं सकता, जानकारी मिलेगा क्या हम आगे बढ़ रहा भक्ति का मार्ग में ना पीछे हट रहा, ऐसा कुछ नहीं, आप एक जगह में रहेगा, वो तो बाहर का चीज़ है, देखने ब्रह्मचर्य ऐसा ना चाहे, असली में क्या है वो तो भगवान का पता है, अंदर में देख रहा भगवान, असली साधु जो आगे बढ़ा है वो भी देख लेता, आपने भी अपने को देख नहीं सकता अंदर में। कोई सवाल है जी इस बारे में पूछिए, इसका मतलब निष्कपट होना चाहिए, जब तक निष्कपट, दुनिया का आदमी ही ऐसे ही आए, दुनिया में अगर आप निष्कपट होगा तो आदमी सोच गए ये भोला है, सब उसको धोखा देगा, है कि नहीं, लेकिन ये उल्टा है, परमात्मा में संत हमेशा ही भोला होता, बहुत सरल होता, निष्कपट होता, वो आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन, एनी कॉमेंट, नो, तो शैल वी फिनिश इट हियर, अभी यहीं हम अंत कर नहीं सकता आज का, तो कुछ प्रसाद है आई थिंक, एंड गिव एवरी लिटिल बुद्ध बुद्ध प्रसाद दीजिए, बांट दीजिए, क्या है जी, सब एक दफे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और क्या प्रसाद हम देखा, कोई कोई प्रसाद ले आए, सब हर एक आदमी को दे दो, ये बांट।